हेलो। तो कैसे हो दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का आज के इस नए वाले वीडियो में। इसमें दोस्तों हम बात करेंगे थाईलैंड एंड जिम्बाब्वे के बीच, ओमन के बीच में जो पहला T20 मुकाबला खेला जाएगा इसकी ड्रीम 11 टीम के बारे में। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं कि आखिर कौन कौन से प्लेयर को हम अपनी टीम में लेने वाले हैं। तो टीम हमने ऑलरेडी बनाकर रखी है दोस्तों, मैं आपको एडिट करके दिखा दूंगा कि कौन कौन से प्लेयर को अपनी टीम में लेंगे। तो सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन की बात करें तो विकेट कीपिंग सेक्शन में दोस्तों आते हैं मॉडिस्टर मोपाचिका, जो कि दोस्तों 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करेंगी। बेहतरीन बल्लेबाज हैं, इन्हें अपनी टीम में लेंगे। इनके अलावा जो दोस्तों एक और विकेट कीपर बल्लेबाज को लेंगे, जो कि जिनका नाम है दोस्तों बी लिफाथना, जो कि दोस्तों वन डाउन बल्लेबाजी करने आएंगी, यानी कि तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आएंगी दोस्तों। ये भी विकेट कीपिंग करेंगी साथ ही साथ, तो दो विकेट कीपर बल्लेबाज को लेंगे अपनी टीम में। उसके बाद चलते हैं बल्लेबाजी सेक्शन में। तो बल्लेबाजी सेक्शन में दोस्तों सबसे पहला नाम आता है एन चंटम, जो कि दोस्तों ओपन बल्लेबाजी करने आती हैं, ओपन बल्लेबाजी करती हैं दोस्तों थाईलैंड की टीम की तरफ से। आप चाहे तो इन्हें ट्राई कर सकते हैं, फिलहाल हम इन्हें ड्रॉप कर रहे हैं दोस्तों। उसके बाद आती हैं यन चैवे, जो कि दोस्तों चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करेंगी। बेहतरीन बल्लेबाज दोस्तों थाईलैंड ओमन की टीम की कप्तान हैं, हम इन्हें अपनी टीम में रखेंगे। इसके बाद जो दोस्तों आते हैं मुजेरी टिरपियानो, जो कि दोस्तों वन डाउन बल्लेबाजी करेंगी जिम्बाब्वे की टीम की तरफ से, जो तो आप चाहे तो उन्हें ट्राई कर सकते हैं। यश मेयर, जो कि दोस्तों ओपन बल्लेबाजी करती हैं जिम्बाब्वे की टीम की तरफ से, बेहतरीन बल्लेबाज हैं, हम इन्हें अपनी टीम में लेंगे। आर कनोह, जो कि दोस्तों छठे नंबर पर बल्लेबाजी करेंगी और साथ ही साथ गेंदबाजी भी कराएंगी, तो आप जो है इन्हें अपनी टीम में चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, फिलहाल हम इन्हें ड्रॉप कर रहे हैं। एम मुसोंडा, जो कि दोस्तों जिम्बाब्वे की टीम की तरफ से चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करेंगी, बेहतरीन बल्लेबाज हैं ये भी, बहुत ही भरोसेमंद बल्लेबाज हैं, आप चाहे तो इन्हें भी ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन में। ऑलराउंडर सेक्शन में आते हैं सबसे पहले जिम्बाब्वे की टीम की तरफ से नादरिया, जो कि दोस्तों गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी भी कराएंगे और छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने आएंगे, तो आप चाहे तो इन्हें ट्राई कर सकते हैं। नुडलोवो, जो कि दोस्तों ओपन बल्लेबाजी करेंगी और साथ ही साथ पूरी गेंदबाजी भी कराएंगे, तो बहुत ही बेहतरीन प्लेयर होने वाली है इस मुकाबले में, हम इन्हें अपनी टीम में लेंगे दोस्तों। एस टिपोच, जो कि दोस्तों ओपन बल्लेबाजी करेंगी थाईलैंड की टीम की तरफ से और साथ गेंदबाजी का तो इनका पता नहीं दोस्तों, किसी मुकाबले में गेंदबाजी कराती हैं तो किसी मुकाबले में नहीं कराती हैं, तो गेंदबाजी का पता नहीं, लेकिन ओपन बल्लेबाजी करती हैं, इसलिए हम इन्हें अपनी टीम में लेंगे। और उसके बाद आते हैं दोस्तों जे नकोमो, जो कि दोस्तों 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करेंगी और साथ ही साथ पूरी गेंदबाजी कराएंगी, बहुत ही एक नंबर की बहुत ही ज़बरदस्त वाली गेंदबाज दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी कराती हैं, तो गेंदबाजी में अच्छी खासी विकेट जो है दोस्तों निकाल लेती हैं, तो इन्हें हम अपनी टीम में लेंगे। इन बोथम, जो कि दोस्तों 90वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आएंगी और साथ ही साथ पूरी गेंदबाजी कराएंगी, तो बल्लेबाजी के लिए तो आप इन्हें नहीं ट्राई नहीं कर सकते, लेकिन गेंदबाजी जो है दोस्तों बेहतरीन कराती हैं और पूरी गेंदबाजी कराती हैं। 10 ओवर की वनडे में कराती थी, लेकिन T20 यानी कि 4 ओवर की पूरी गेंदबाजी कराएंगी, तो हम इन्हें अपनी टीम में लेंगे। उसके बाद जो दोस्तों आती हैं सी शटरंग, जो कि दोस्तों छठे नंबर पर बल्लेबाजी करेंगी और गेंदबाजी कराएंगी नहीं दोस्तों, तो हम इन्हें ड्रॉप कर रहे हैं। और उसके बाद जो दोस्तों पी मरेंजी, जो कि दोस्तों खेलेंगे नहीं, सी चटवांजा, जो कि दोस्तों मेरे हिसाब से खेलेंगे नहीं, तो हम इन्हें ड्रॉप कर रहे हैं। और उसके बाद अब चलते हैं दोस्तों गेंदबाजी सेक्शन में। गेंदबाजी सेक्शन में दोस्तों सबसे पहला नाम आता है यश लाउमी का, जो कि दोस्तों 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करेंगी और साथ ही साथ जो दोस्तों पूरी गेंदबाजी कराएंगी, तो बहुत ही बेहतरीन पिक होने वाली है इस मुकाबले में यश लाउमी। और उसके बाद जो दोस्तों यम सिबांडा, जो कि दोस्तों पूरी गेंदबाजी कराने वाली हैं जिम्बाब्वे की टीम की तरफ से, लेकिन बल्लेबाजी वगैरह तो करेंगी नहीं क्योंकि ये गेंदबाज हैं, तो 11वें नंबर पर बल्लेबाजी करेंगी और साथ ही साथ 4 ओवर की पूरी बल्लेबाजी कराने वाली हैं दोस्तों, 4 ओवर की पूरी गेंदबाजी कराने वाली हैं दोस्तों, तो हम इन्हें अपनी टीम में लेंगे। इसके अलावा जो दोस्तों आती हैं टी पटियंग, जो कि दोस्तों नीचे बल्लेबाजी करने आती हैं लेकिन पूरी गेंदबाजी कराती हैं, बेहतरीन गेंदबाज हैं, हम इन्हें अपनी टीम में लेंगे। इनके अलावा जो दोस्तों आप चाहे तो यल तुश्मुना को आप ट्राई कर सकते हैं, ये भी बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज हैं, इस मुकाबले में खेलती हुई नज़र आ सकती हैं आपको। इनके अलावा जो दोस्तों आती हैं पी माया, भी बेहतरीन गेंदबाज हैं, ये भी आपको इस मुकाबले में खेलती हुई नज़र आ सकती हैं, जहाँ तक का मुझे लगता है दोस्तों ये भी इस मुकाबले में खेलती हुई नज़र आएंगी। बाकी का जो फाइनल टीम है दोस्तों वो तो आप प्लेइंग 11 आने के बाद अपने हिसाब से जो है बना लीजिएगा। फाइनल टीम जो दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आपको डिस्क्रिप्शन में आपको जो दोस्तों लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। कप्तान हम बनाएंगे दोस्तों के नडोलवो को और वाइस कप्तान बनाएंगे दोस्तों टिपोंचो को।